इतना की किसने पत्थर फेंका है, सबूत दो। प्रसाद अपैया ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्यों? हम पूछना चाहते हैं। सिर्फ कहते हैं कि गटर बनाओ, रोड बनाओ। अरे भाई, ये तो कोई चपरासी भी कर लेगा। हम लोग एक कमजोर आदमी, डरपोक आदमी, बुजदिल आदमी अपैया को चुनके ला गए। क्या फिक्सिंग होता है? सुबह 5 बजे दरगाह और मसीदी शहीद किया जाता है। और हम लोगों ने देखा है कि हिजाब के मामले में प्रसाद अपैया ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्यों? हम पूछना चाहते हैं, क्यों हमारे महा बहन ने आपको वोट नहीं दिया? क्या हमारे हक के बारे में आप बात नहीं करेंगे? सिर्फ कहते हैं कि गटर बनाओ, रोड बनाओ। अरे भाई, ये तो कोई चपरासी भी कर लेगा। हमारा वोट लिया है तो हमारी हक की आवाज बनना चाहिए। हमारा वोट लिया है तो आपकी काबिलियत भी बताना चाहिए और दम भी रहना चाहिए। हक की आवाज करने के लिए दम रहना चाहिए। लेकिन हम लोग एक कमजोर आदमी, डरपोक आदमी, बुजदिल आदमी अपैया को चुनके ला गए। हम लोगों ने गलती कर दी। बाद में देखो, हमारे यहाँ पे इंडी पंप सर्कल के पास जो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बयानबाजी किए थे, व्हाट्सएप में कुछ आया था, उसके बारे में हमारे भाई लोग कुछ जाके उधर प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट करना संविधानबद्ध हक है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। संविधान बोलता है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ लोग पत्थरें फेंके। मैं पूछता हूं, 157 बच्चों में आज तक पता नहीं है कि किसने पत्थर फेंका है। ना पुलिस के पास उसके सबूत है, ना जिसने पत्थर फेंका है उसका ना फोटो है ना वीडियो है। ऐसे ही उन लोगों को अंदर डाल दिए। जब उन लोगों को अंदर डाले थे तो जो हमारे वोट लेके चुने थे उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं पुलिसों को रोका, क्यों नहीं सबूत पूछा? सबूत तो पूछना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था कि किसने पत्थर फेंका है, सबूत दो, सीसी वीडियो का फुटेज दो। ऐसा कुछ नहीं पूछे, चुप बैठे 3 दिन। एक छोटा पुलिस का एक हवालदार कुछ है, उनके साथ में जाके लड़ते हैं। ये भी सियासत है। क्यों लड़ते हैं? कि लोग अब मेरे पास पूछने आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि नहीं, पुलिस मेरा बात नहीं सुन रहे है। ऐसा वो बचना चाहिए, बचना चाहते थे और वैसे ही किया उन्होंने। उसके बाद में 8 दिन होने के बाद में उन्होंने जाग को प्रहलाद जोशी साहब से बात किया और कहा कि उन बच्चों का ऊपर UAPA डालो। उस टाइम पे उन्होंने भी कहा कि जो पत्थर फेंकते उनका ऊपर टेररिस्ट एक्ट नहीं लगाया जा सकता। तो इन्होंने कहा, सर मैं 2 बार उन लोगों से चुना हूं और 3री बार उनको मैं डरा के उनका वोट लेना चाहता हूं, इसलिए UAPA आपको डालना ही पड़ेगा। उनको मजबूर करके UAPA डाले। आज 1 बरस हो गया, बच्चे आज तक अंदर ही है। 4 से 5 बार उनका बेल रिजेक्ट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो ना आना है, सुप्रीम कोर्ट को जाना है, वकील सिर्फ अंदर जाने के लिए उसको 5 लाख देना है, 5 लाख। इतना परेशानी क्यों हुआ है? हम लोगों ने जिस आदमी को वोट डाला था वो आदमी गद्दार निकला है, कौम का गद्दार। इस बार हम लोगों को सोचना चाहिए कि गद्दार को घर को भेजना है। मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बैरी जरकोप्पा दरगाह और मसीदी को शहीद किया गया। रात को इनका मैच फिक्सिंग होता है, सुबह 5 बजे दरगाह और मसीदी शहीद किया जाता है। उसके बारे में जो MLA है वो चाहते तो
जाके उसे रोक सकते थे, सुबह 5 बजे जाके बुलडोजर के सामने टेर सकते थे। मैं 2 बार इन लोगों से चुना हूं, मैं ये नहीं करने दूंगा करके वो आड़ा कड़ा हो सकते थे। अगर आपको गिराना है तो मेरे लाश पे जाके शहीद करना है करके वो बोल सकते थे, लेकिन वो सुबह इधर दरगाह शहीद कर रहे थे, वो भाग गए थे बेलगाम। और कांग्रेस के बड़े बड़े डोंगी सेक्युलर लीडर सिद्धरामैया, पहले तो टीका नहीं लगाते थे, अब यहाँ से पीछे गया है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। डीके शिवकुमार, बड़े बड़े नेता 100 किलोमीटर दूर थे, यही बेलगाम में थे। परसों राहुल गांधी आए थे 1000 किलोमीटर दूर से, परसों इनो भी आए थे, प्रियंका गांधी भी आए थे कैनवस के लिए 1000 किलोमीटर दूर। ये सिर्फ 100 किलोमीटर था, वो लोग चाहते तो 15 मिनट में आ सकते थे, बेरी दीर्गप्पा आके रोक सकते थे, क्योंकि वो लोग अपोजिशन में है। कांग्रेस आज अपोजिशन में है, वो लोग बात कर सकते थे, उनको बात करने के लिए वहां पे भेजा गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और दरगाह जो शहीद हो रहा था वहां तक आए भी नहीं वो लोग। बाद में 2-3 दिन के बाद में प्रहलाद जोशी जी ने एक बयान दिया, वो बयान देते हैं कि बैरी दीर्गप्पा दरगाह शहीद करने के लिए शासक प्रसाद अब्बैया ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, उसको हम लोग अभिनंदन ही देते हैं, थैंक्स बोलते हैं उसको, ऐसे कहा उन्होंने। और क्या कहा, उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया और कहा कि सर वो आप शहीद करने के बाद में हम लोग सियासत के लिए कुछ चंद अल्फाज हम लोग बोलेंगे, आप गलत नहीं समझना। तो वो बोले ठीक है, आपका जो मुंह में है राड़ा वो पूरा निकाल दो करके बोले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, हमें समझना चाहिए। 10 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, अब खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, तो इसलिए सियासत में खुद का एक सियासी पार्टी होना जरूरी है।